वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आप लोगों को स्क्रीन पे एक मैसेज दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इस मैसेज के रिगार्डिंग बता देना चाहता हूँ, ये मैसेज 21 जनवरी 2021 को आया है, ठीक है। और सबसे जो जानने वाली एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये मैसेज जो है ये मेल कैंडिडेट को आया है, ठीक है, जो कि यूआर कैटेगरी से हैं, 2018 के स्टूडेंट, यानी कि जो पुराने स्टूडेंट भी हैं अब उनका भी मैसेज आना शुरू हो गया है। ये थर्ड लॉट मैसेज है, यानी कि एक मैसेज में देखा था कि 7 तारीख को आया था, 7 जनवरी को एक लॉट का मैसेज, दूसरा मैसेज जो है 14 तारीख को आया है, और तीसरा मैसेज देखिए यहाँ पे 21 तारीख को आया है। तो इससे कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जा रहा है कि एक 7-7 दिन पे लग रहा है ये स्लॉट वाइज मैसेज भेज रहे हैं। तो इससे तो मेरी समझ में यही आ रहा है, क्योंकि 7 तारीख को मैसेज आया, 14 को आया फिर, और 21 को मैसेज आया। ये मैसेज इनको 2:47 यानी कि दोपहर के बाद आया हुआ है, और ये मेल कैंडिडेट हैं यूआर कैटेगरी के 2018 के, जिनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाया था। तो मैं चाह के इस अपडेट को आप लोगों के सामने रखूं। हो सकता है कि नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग का अलॉट का मैसेज है वो 28 तारीख को आए। तो यहाँ एक और समस्या है कि जैसे वैसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई मैसेज नहीं आया है, तो वो अपना ईमेल भी चेक करें, ठीक है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है, उसके ईमेल पे मैसेज गया हुआ है, या कुछ कैंडिडेट के ऐसे जिसका नेटवर्क इशू के चलते या किसी के सिम में इनकमिंग बंद हो जाती है उसके चलते ये मैसेज नहीं आ रहा है, तो वो कृपया अपना ईमेल एक बार वेरीफाई कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ईमेल पे मैसेज आया हो और आप वेट कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान देंगे। और मेरा यही कहना है कि अगर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने केवाईसी करते समय जिस मोबाइल नंबर को फिल किए थे, वो मोबाइल नंबर में अगर आपके रिचार्ज नहीं है, तो आप लोग उसे कृपया रिचार्ज करके उस नंबर को एक्टिवेट रखें, ताकि आपके मोबाइल पे मैसेज चले जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, ईमेल बहुत कम ही कैंडिडेट होते हैं जो कि बार बार चेक करते हैं, लेकिन मैसेज जो होते हैं वो लगभग कैंडिडेट एक बार देख लेते हैं कि कौन सा मैसेज मेरे मोबाइल पे आ रखा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को जानना है कि ज्वाइनिंग का मैसेज जिनके पास आया, जिनका केवाईसी हो गया है, तो क्या उसकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और कुछ कैंडिडेट का जो है केवाईसी रिजेक्ट हो गया है, तो क्या उसका केवाईसी कब से शुरू किया जाएगा या सिर्फ डेट पे डेट दे रहे हैं, ये सब बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको एक एक जानकारी प्राप्त हो जाए। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि 2018 वाले जो भी है, हमें लगता है कि 28 तारीख के जो नेक्स्ट अलॉट अगर मैसेज आएगा, तो हो सकता है कि 2018 वाले या उससे पहले 2016 वाले के अगर कुछ होंगे तो उनके मोबाइल पे ये मैसेज आएगा, या अपना ईमेल चेक कर लें। और वैसे कैंडिडेट जिनका 2016 या 2018 के, ठीक है, मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो वो एक बार बेल्ट्रॉन ऑफिस जाकर लिखित अप्लीकेशन दे और बेल्ट्रॉन को एक बार रिमाइंड कराए। क्योंकि बेल्ट्रॉन को बहुत सारे कैंडिडेट का लगता है कि कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया है, तो हो सकता है इस कारणवश भी वो मैसेज नहीं दे पा रहे हैं उसको, या किसी टेक्निकल इशू के चलते हो सकता है, या बेल्ट्रॉन की कुछ अपनी इशू हो, ठीक है, कि पुराने कैंडिडेटों का भी नहीं ज्वाइन कराना है। तो आप एक बार बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाकर रिमाइंडर जरूर दें और लिखित अप्लीकेशन दें। अगर जो लिखित अप्लीकेशन देंगे तो उन पे जो बेल्ट्रॉन की जो मीटिंग होने वाली है, तो उस पे आपके काम किए जाएंगे और आप लोगों का भी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा, करवाया जाएगा। अगर आप लोग जब तक अपडेट नहीं देंगे, तो वो पुराने कैंडिडेट को एज अ पेंडिंग मान रहे हैं, तो नए कैंडिडेट को ऑफर लेटर दे रहे हैं। इसमें से भी जो 2018 का जो मैसेज जो कैंडिडेट को आया था, ये दिसंबर में ही अपना एक लिखित एप्लीकेशन दिए हुए थे बेल्ट्रॉन ऑफिस में, तो वैसे ही कैंडिडेट है जो कुछ पुराने, तो उसके मोबाइल पे ये मैसेज आया है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अपनी ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है, तो एक बार रिमाइंडर के लिए बेल्ट्रॉन ऑफिस में जा कर के एप्लीकेशन लिखित दें।
चलिए अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया गया है, अब ज्वाइनिंग के लिए आगे क्या प्रोसेस होगा? जिसका मैसेज आ गया है, उन्होंने अपना ज्वाइनिंग का एक्सेप्ट कर लिया है, बैंक डिटेल भरवाए थे, उन्होंने फिल कर दिया है, उनकी ज्वाइनिंग की जो है प्लेस भी दिखा रही है, तो लेकिन क्या वहाँ पे जाने के बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी? तो इससे संबंधित मैं दो तीन बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये ऑफर लेटर जो एक्सेप्ट किया गया है या किसी के द्वारा रिजेक्ट किया गया, तो दोनों कंडीशन में आप लोग जो रिजेक्ट किया है तो अब तो उसको नेक्स्ट मैसेज आएगा, फिर से उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, और जिन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है उनको या तो एक कन्फर्मेशन मैसेज या एक ईमेल आएगा, उसके बाद ही उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करने से अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक कन्फर्मेशन जिनके पास मैसेज आएगा तो उन्हें विद इन 15 दिन के अंदर ज्वाइन करने का नोटिस दिया जाएगा, जिस दिन वो कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि आप 15 दिन के बाद आप वहाँ पे अपना नियोजन जाके कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑफर लेटर का मैसेज नहीं आया है तो कब तक मैसेज या ईमेल के द्वारा उसे सूचित किया जाएगा, इसकी कोई भी एग्जैक्ट जानकारी जो अभी नहीं है। ठीक है, वेल्ट्रॉन का कहना है कि मेरे पास जिस हिसाब से वैकेंसीज आएगी उस हिसाब से मैं आपका मैसेज करूंगा, तो जनरली जो कैटेगरी वाइज जो मुझे समझ था कि वो कर रहे हैं, ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट होंगे तो वो मिक्सअप होंगे, सारे कैटेगरी वाइज मैसेज जाने की उम्मीद है, तो इसलिए आप लोग चिंता ना करें, थोड़ी सी देर लगेगी। ठीक है, लेकिन मैसेज सभी के मोबाइल में जाना शुरू हो गया है, तो समझ लीजिए 7, 14 और 21 तीन लॉट के मैसेज अभी तक जा चुके हैं। इसमें से ऑन एन एवरेज जो है आपको 1000+ स्टूडेंट अप्रोक्स में मान लेता हूँ, 1000+ स्टूडेंट जो है इनके मोबाइल पे मैसेज जा चुका है, जिनमें से 2016, 2018 और 2019 के कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जिन अभ्यर्थियों का केवाईसी रिजेक्ट हुआ है उनकी केवाईसी का काम कब तक कंप्लीट किया जाएगा। केवाईसी के रिगार्डिंग जो जनवरी में दिसंबर में डेट दिया गया था, फिर जनवरी में बोला गया था 15 जनवरी के बाद, तो हमारी एक स्टाफ से बात हुई, उनका कहना है कि केवाईसी का काम जो है अभी ज्वाइनिंग की प्रोसेस के बाद ही शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि ज्वाइनिंग प्रोसेस जो हो रहा है इसके साथ साथ हम लोग फरवरी में भी जो है केवाईसी का हो सकता है, तो लिंक ओपन करें, अगर केवाईसी का लिंक ऑनलाइन नहीं होगा तो हम लोग ऑफलाइन केवाईसी को कंप्लीट करवाएंगे, इसके लिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका केवाईसी रिजेक्ट हुआ है वो भी कृपया चिंतित ना हो, थोड़ी सी देर होगी लेकिन ज्वाइनिंग आप लोगों की भी करवाई जाएगी, इसलिए पैनिक ना हो आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 2016-2018 कुछ डीओ प्रोग्रामर की ज्वाइनिंग जो है अभी तक नहीं करवाई गई, या एक करवा सकते हैं। ये एकदम सही बात है कि 2016-2018 डीओ और प्रोग्रामर जो है इसकी ज्वाइनिंग अभी भी कुछ कैंडिडेट का नहीं करवाया गया है, तो वैसे कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है वो लोग एक बार रिमाइंड करवाइए वेल्ट्रॉन को, और वहाँ पे लिखित एप्लीकेशन दीजिए, तो जब भी कोई नेक्स्ट मीटिंग होगी तो आप लोगों के बातों को भी वहाँ पे रखा जाएगा, तो आप लोगों की भी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, तो आप लोगों की ज्वाइन में क्या प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे 2016 और 2018 के लगता है 50% कैंडिडेट के पास जो है ये ऑफर लेटर का मैसेज क्या है चला गया है, तो जो भी बचे हैं तो वो एक बार बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाके लिखित रिमाइंडर करवा दें। तो इस वीडियो में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी और कुछ मेरी जो बात हुई स्टाफ से, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया ताकि एक आपको क्विक अपडेट मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।